हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो यहाँ पे हम इंडियन जियोग्राफी, भारत के जो भूगोल, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। बाकी जो तीन पार्ट है जो कि अपलोड हो चुकी है, नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्जाम, PSC, व्यापम, पुलिस कॉन्स्टेबल, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया गया। हमारा फोर्थ पार्ट है, बाकी तीन पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो 45 क्वेश्चन मैं थर्ड पार्ट में कवर कराया था। तो जितने भी ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे, साथ ही साथ इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इससे पहले बता दूँ, मैंने कम्प्लीट हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, आपका मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, कम्प्लीट यहाँ पे हिस्ट्री कराया गया है। इसके बाद आपको भूगोल को यहाँ पे कम्प्लीट इसको भी कराया जाएगा। आधा पूरा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें दैनिक तापांतर का अंतर जो है आपका अधिकतम होता है? रेगिस्तान में, पर्वत में, पठार में, या आपके महासागर में? तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान, जहाँ पर आपका जो तापमान जो होता है आप में, इसमें कम ज़्यादा होता है, इसी को बोला गया है कि दैनिक तापांतर के अंतर किसमें अधिकतम होता है। तो आपके रेगिस्तान में देखेंगे सबसे ज़्यादा होता है। बाकी सभी के दृष्टि से देखें, तापमान रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा होते हैं, खासकर किसके गर्मी के दिनों में, तो इसको याद रखें। तो रेगिस्तान में जो उच्च तापमान और निम्न तापमान को ही आपका अंतर होता है इसमें। तो आपके बाकी सीजन में, तो रेगिस्तान में जो गर्मी के दिनों में इससे दैनिक तापांतर ये आपका होता है, इसी को बोला गया है। जो दैनिक तापांतर का अधिकतम किसमें होता है? रेगिस्तान में, इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच का अंतर खाली स्थान के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच का अंतर कितना होता है, या कितने किसके बराबर होता है? 101 किलोमीटर के, 111 किलोमीटर के, 121 किलोमीटर के, या आपके 91 किलोमीटर के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो 111 तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। याद रख, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच का जो अंतर 111 किलोमीटर, अगर ऑप्शन में 69.8 मील के बराबर ये आपका अंतर होता है, तो इसको याद रख। ऑप्शन में जैसे 18 मील है, तो उसको भी आंसर लगा सकते हैं, या 111 किलोमीटर है तो इसको आप लगा सकते हैं। तो इसके हिसाब से भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच का अंतर कितना होता है? 111 किलोमीटर। ऑप्शन में जैसे 69.18 या आपका मील के बराबर अंतर यहाँ पे डिफरेंट होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी जो हवाएँ गर्म धूल से भरी होती है और सहारा रेगिस्तान से भूमध्य क्षेत्र की ओर चलती है? तो सिराको, लू, फोहेन, या आपका मिस्ट्रल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो सिराको जो हवा है, जो कि आपकी बहुत ही धूल धक्कड़ से भरी होती है, गर्म धूल से भरी होती है, और आपका जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य क्षेत्र की ओर आपका चलती है। अगर देखेंगे जैसे अब मैं बात करूँ यहाँ पे, जो खासकर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है, और आपके जैसे आपका जो सहारा मरुस्थल से आपका स्टार्ट होती है, सहारा मरुस्थल से, और आपके जैसे इटली में आपका प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो सिराको है, आपका खास करके इटली जैसे जो देश में आपको देखने को मिलती है, सहारा मरुस्थल से उठ के आपको इटली में प्रवाहित होती है, सबसे ज़्यादा गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है सिराको। ये आपका मौसम से संबंधित आपके धूल भरी आपके गर्म हवा है, इसको याद रखिए। लू क्या है? तो लू आपके गर्मियों के मौसम में देखे होंगे, तो लू इसको भी जानते हैं, जो कि आपके ये आपका गर्मियों के मौसम भी आपका लू लगते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपका जूलो होता है, जिससे शुष्क हवा को ही आपका लू कहा जाता है, जिससे आपके मई के महीना हो गए, जून के महीने में सबसे ज़्यादा ये आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पर निम्नलिखित में से कौन सी जो काल्पनिक रेखा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ती है? मानचित्र पर निम्नलिखित में से कौन सी जो काल्पनिक रेखा जो समान वर्षा स्तर वाले जो स्थानों को जोड़ती है? समोच्च रेखाएं, आइसोबैथ्स रेखाएं, आपका आइसोहाइट रेखाएं, या आपके आइसोबार रेखाएं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोहाइट रेखाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका MPPSC
MPPSC में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ है। आपका जो मानचित्र पर जो कौन सी जो काल्पनिक रेखा है जो समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ती है, तो इसको आइसोहाइट रेखा इसको कहा जाता है, जिसको आम भाषा में इसको समवर्षा रेखा भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, जो काल्पनिक जो रेखा समान वर्षा स्तरों को आपको जोड़ने का काम करती है, समान वर्षा रेखा है। तो इसको याद रखिए, MPPSC में क्वेश्चन आया हुआ है आपके जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलाने वाली रेखा इसको कहते हैं, मतलब इसको आम भाषा में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के वनों में प्रमुख रूप से लाइकेन और काई शामिल है। टाइगर वन में, टुंड्रा वन में, शीतोष्ण मिश्रित वन में, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा वन में, याद रखिएगा। तो टुंड्रा जो वनों में प्रमुख रूप से आपका जो लाइकेन काई जैसे आपका ये आपका शामिल है जो टुंड्रा वन में, जिसको याद रखिए। टुंड्रा वन जो है आपका जो एक टुंड्रा जो शब्द है आपका एक फिनिश भाषा से आपका आया हुआ है। इसका मतलब आते हैं एक इसका अर्थ क्या होता है टुंड्रा वन से, इसका अर्थ होता है आपका ऊंची भूमि से संबंधित है। जैसे टुंड्रा वन देखने को मिलता है जैसे आपका बड़े बड़े देश कनाडा हो गया, अलास्का, रूस, ग्रीनलैंड, जो ध्रुवीय क्षेत्र ये इसके अंतर्गत आती है। इसको याद रखिएगा। तो टुंड्रा वन ये आपका जो फिनिश भाषा से आया हुआ है, और ये खासकर जो लाइकेन ये आपका जो छोटी छोटी यहाँ पे लाइकेन और जो काई जैसे लाइकेन बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ लाइकेन जो कि छोटी वन्य जीव का एक समूह है, तो ये आपका ये इसके अंतर्गत आती है। तो जो टुंड्रा जो वन है इसमें जो प्रमुख रूप से लाइकेन काई जैसे इसमें क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसको याद, जैसे आपके ग्रीनलैंड ध्रुवी क्षेत्र में ये सभी आपका शामिल होता है। तो इसको याद रखिए। लाइकेन जो कि आजकल बहुत से जो मेडिसिन वगैरह बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है आपको कांग्लोमेरेट, सैल, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट जो है आपका, ये आपके आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, याद रखिएगा। इसके और एक से एग्जांपल देखें तो आपका जो बेसाल्ट युक्त जो चट्टान है डायरोराइट और आपके गेब्रो जैसे जो आपका आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण कैसे होता है, तो आपका जो मैग्मा और लावा के जमने से मैग्मा, या आपका जो आग्नेय चट्टान आपका मैग्मा और लावा के जमने से इसका निर्माण होती है, इसका निर्माण होता है, जिसमें आपका इससे आपका लोहा, निकेल, तांबा, मैग्नीज इससे आपका ये सभी धातु इसका निर्माण होता है। तो इसको याद रखिएगा। और इससे आपका जो आग्नेय चट्टान से जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायरोराइट ये सभी आपका इसके उदाहरण है। तो इसको याद रखिए। अगर यहाँ पे धातु पूछे आपका जो आग्नेय चट्टान से कौन सी धातु बनती है, तो लोहा, निकिल, तांबा जैसे मैग्नीज वगैरह इससे बनते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे तो मैग्मा के लावा के जमने से आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान जो है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना है, कटाव, अपक्षय, घर्षण या आपका घर्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो खाली स्थान जो है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, तो ये आपका अपक्षय कहलाता है, इसको आपका वेदरिंग कहलाता है। इसको इंग्लिश से हिंदी में अपक्षय बोला जाता है और इंग्लिश को इसको वेदरिंग बोला जाता है। तो ये आपका जो अपक्षय जो कि पृथ्वी के सतह पर चट्टान का जो टूटता हुआ जो भाग है आपका वेदरिंग या आपका अपक्षय कहलाता है। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं समुद्री जल जो वर्षा जल की तुलना में अधिक खारा होता है क्योंकि, एक बार और से ये इस बार रिपीट करते हैं, जो समुद्री जल जो है आपके वर्षा जल की तुलना में अधिक खारा क्यों होता है। बोलने का मतलब जो समुद्री जल होता है जो नॉर्मल जो वर्षा जल की तुलना में अधिक खारा क्यों होता है, मतलब कहने का मतलब जो समुद्री जल आपका खारा किस कारण होता है वर्षा जल के कारण, तो आपके समुद्री जानवर नमक पैदा करने वाले होते हैं इसलिए, या आपके समुद्र के चारों ओर की हवा नमकीन होती है, या नदियां जो है आपके पृथ्वी से नमक बहाकर समुद्र में डाल देती है, या समुद्र तल में नमक पैदा करने वाले खदानें होती हैं इसलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो समुद्री जल वर्षा जल की तुलना में अधिक खारा क्यों होता है, एक मिनट,
इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो नदियाँ जो नदियाँ होती है जो पृथ्वी से नमक बहाकर समुद्र में डाल देती, इसलिए अधिक खारा होता है। तो समुद्र का पानी क्यों खारा होता है, तो नदियाँ जो है पृथ्वी से नमक बहाकर समुद्र में डाल देती, इसलिए समुद्री के जो जल ये आपका अधिक खारा होता है। अगर देखेंगे भारत में जो अगर नमक उत्पादन के दृष्टि से देखेंगे तो अगर जो गुजरात है, गुजरात गुजरात 85% नमक उत्पादन करते हैं जो हम खाते हैं नमक। तो सबसे ज़्यादा गुजरात जो राज्य है यहाँ से नमक उत्पादन होता है 85%। पूरे भारत की बात करूँ, भारत में जो नमक उत्पादन आपको गुजरात से ही मिलता है, हम जो नमक खाते हैं सबसे ज़्यादा गुजरात से ही आता है। इसके बाद आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु और आपके राजस्थान, ये सभी इसके दूसरे तीसरे नंबर में आते। सबसे पहले मैं आपको गुजरात है, 85% जो है आपका यहीं से नमक का उत्पादन होता है जो हम खाते हैं। भारत की सबसे ज़्यादा यहीं से निर्यात होता है नमक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोआब शब्द का अर्थ क्या है। दोआब शब्द का अर्थ है दो पहाड़ों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि या दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो दोआब शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, तो दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है, जैसे आपका दो नदी है, आज भारत का एग्जाम्पल बताऊँगा, तो दो नदियों के बीच की जो भूमि को दोआब कहा जाता है। जैसे आपका भारत की बात करो, दोआब जैसे पंजाब और आपका हरियाणा का जो मैदान जो कि पांच नदियों का यहाँ पे अप्रवाहित होता है, और नदियों के जो बीच में यहाँ पर क्षेत्र दोआब के नाम से इसको जाना, पंजाब और हरियाणा का जो मैदान पांच नदियों द्वारा अप्रवाहित होता है और नदियों के जो बीच के क्षेत्र को दोआब के नाम से इसको जाना जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान है जो दोआब के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी के सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या बोला जाए, तो पृथ्वी के सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टान को बेसाल्ट कहा जाता है, लैकोलिथिक कहला जाता है, या लावा ये कहलाता है, या आपका मैग्मा कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मैग्मा कहलाता है, डी ऑप्शन। तो पृथ्वी के सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहा जाता है, याद रखिए यहाँ पे मैग्मा आ जाएगा। तो मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा का निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा का निर्माण आपके चट्टान का जो पिघला हुआ रूप होता है, मतलब आम भाषा में बताऊँ तो चट्टानों का जो पिघला हुआ जो रूप आपका मैग्मा कहलाता है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहलाता है, यहाँ पे लावा है। तो लावा का निर्माण कैसे होता है, मैग्मा के जो बाहर निकलने वाले जो रूप को लावा कहते हैं, और मैग्मा किसको कहलाता है, चट्टान के जो पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहलाता है, और जो मैग्मा के जो बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। तो मैग्मा से ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, याद रखें जो मैग्मा है, मैग्मा के यहाँ पे मैग्मा से आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो इसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखी क्षेत्रों में, भूमध्य रेखी क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को खाली स्थान कहा जाता है, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, अग्रवर्ती वर्षा या आपका संवहनी वर्षा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका संवहनी वर्षा कहलाती है, जिसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोला जाता है। इंग्लिश में कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनी वर्षा, इसको संवहनी वर्षा इसको हिंदी में बोला जाता है। तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा या कन्वेक्शन रेनफॉल बोला जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा वायुमंडल के प्रदूषण के कारण होती है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, या नाइट्रोजन और मीथेन के ऑक्साइड के कारण। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो अम्लीय वर्षा जो वायुमंडल के प्रदूषण के यहाँ पे मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या फिर अम्लीय वर्षा वायुमंडल के प्रदूषण का मुख्य कारण है। कई बार एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जिसमें महत्वपूर्ण एक तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड इसके इन्वायरमेंट को बहुत ही प्रदूषित करता है, वायुमंडल को। तो इसका महत्वपूर्ण कारगर है, इसको याद रखिए, ये ऑप्शन नाइट्रोजन और सल्फर ये आपको वायुमंडल प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसी और भीमा, मूसी और जो भीमा नदी है खालिस्थान नदी की सहायक नदी है। तो मूसी नदी और भीमा जो है आपके किसकी, कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो मूसी और भीमा कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी, मूसी और भीमा, याद रखें मूसी और भीमा ये आपके कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे कृष्णा नदी की, तो भारत में बहने वाली
नदी है कृष्णा नदी, ये आपका महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से आपके निकलती है, इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई देखेंगे तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई कृष्णा नदी, और इस ये आपको कहाँ कहाँ बहती है तो इसको एक बार सुनिएगा ढंग से, कहाँ कहाँ बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से आपके बहती हुई कहाँ पे जाके मिल जाती है तो बंगाल की खाड़ी में जाके आपका गिर जाती है। तो इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके आपका गिर जाती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या आपका बुध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, इसको इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है, याद रखिएगा। तो सौर मंडल के ग्रहों में क्रम में मंगल और शनि के बीच का कौन सा ग्रह आता है बीच में, तो बृहस्पति आता है, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोला जाता है। तो आपके सूर्य से पाँचवा ग्रह, याद रखिएगा, तो सूर्य से आपका पाँचवा ग्रह जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, याद रखें हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपका बृहस्पति है, जुपिटर है, और सूर्य से आपका पाँचवें नंबर का ग्रह है। तो इसको याद रखिए, जो कि आप गैसों से बना हुआ है आपका पिंड, तो गैसों से निर्मित आपका पिंड है, इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। लूसीफेर जो ग्रह खालिस्तान का दूसरा नाम है, तो लूसीफेर जो ग्रह है आपका किसका दूसरा नाम है, बृहस्पति का, शनि का, शुक्र का या आपका मंगल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शुक्र, इसको वेनस बोलते हैं, याद रखिए इंग्लिश में वेनस, हिंदी में शुक्र। तो लूसीफेर जो ग्रह है किसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, तो शुक्र ग्रह वेनस का दूसरा नाम है। तो सूर्य से आपका दूसरे क्रम का ग्रह, याद रखिएगा, तो सूर्य से सेकेंड नंबर का ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, वेनस ग्रह, और ये आपका सूर्य का कितने दिन में परिक्रमा करता है, तो आपके 224.7 मतलब 244 दिन में आपका ये परिक्रमा करता है, और आपके सबसे चमकीला ग्रह इसको कहा जाता है सूर्य शुक्र ग्रह को, तो इसको याद रखिए। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। पहला बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।